प्यारे साथियों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक खुशखबरी बताना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि मैं आपको लगभग 3 या 4 महीनों से साथियों बताते आ रहा हूँ कि साथियों मैं आपकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का साथियों प्रयास कर रहा हूँ, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोस्तों एक दिन ज़रूर आएगा, हमें सफलता मिलेगी और आपकी जो आवाज़ है वो किसी न किसी ऐसे बड़े सदस्य द्वारा आपकी उठाई जाएगी। ठीक है ना, ये साथियों वही प्रयास है हमारा, सोशल मीडिया का प्रयास है। और सबसे अधिक मैं यहाँ पर सहयोग देना चाहूँगा जो हमारे भाई हैं लाला पहलवान, उसने भी अपनी तरफ से भी खूब ज्ञापन दिया, और हमारी जो जयपुर की टीम के सदस्य भाई लाला पहलवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी तरफ से जो प्रयास किया है और जो कुछ सोशल मीडिया का सहयोग रहा है जिससे हमने इंटर्नशिप की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का प्रयास किया, और किसी न किसी सदस्य ने इस बात को महसूस किया कि जो इंटर्नशिप योजना है वो बेरोजगारों के लिए क्या है, ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है, मैं कह सकता हूं, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बेरोजगारों की जो भी पीड़ा थी उनको महसूस किया और समझा और अपनी तरफ से जो बयान दिया है और वो सरकार के कानों तक जरूर पहुंचेगा। तो साथियों, आप यहां पर देख सकते हो उसने यही कहा है कि जो सरकार ने जो इंटर्नशिप योजना लागू की गई है इसको क्या किया जाए, इसे बंद किया जाए, क्योंकि सरकार ने ऐसे ऐसे यहां पर जो नियम लगा दिए हैं जो बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति को बहुत ही बुरी तरीके से दुष्प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, और तो साथियों मैं आपसे आज इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों अपनी इस आवाज़ को आप धीमे मत होने देना मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करना, ठीक है ना, और आप अपने तहसील स्तर पर भी ज्ञापन देने का प्रयास करना, और साथियों मैं भी अपनी तरफ से बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और साथियों एक जानकारी मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो हमारा दूसरा चैनल है एजुकेशन 2M, उस पर भी मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इंटर्नशिप के विरोध में। ठीक है, तो मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि उस चैनल को भी जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि उस चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा से सदस्य हैं जुड़ेंगे तो जो अपनी आवाज़ है वो दुगने तरीके से आगे तक पहुँचेगी। ठीक है ना, तो उस चैनल का लिंक है साथियों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस पर भी आप अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाएं और प्रत्येक कॉमेंट्स बॉक्स में आप कॉमेंट्स लिखें कि इंटर्नशिप बंद होनी चाहिए साथियों। ठीक है, और साथियों मैं आपको आज भी कहता हूँ 101% कि साथियों हमें वो ज़रूर, वो सौभाग्य दिन ज़रूर मिलेगा जब हमको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और साथियों ध्यान रखना, ये आवाज़ आपकी धीमी नहीं होनी चाहिए, और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि इसके आने वाले समय में कुछ ना कुछ ज़रूर परिवर्तन होगा, 101% परिवर्तन होगा साथियों, क्योंकि साथियों मैंने आपसे वादा किया था कि साथियों यदि आपने मेरा सहयोग दिया तो मैं घंटे से साथियों घंटा बजा दूंगा। ठीक है, चाहे मुझे तलवार की धार पे साथियों जल कर जाना पड़े, मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा। ठीक है, और ये मैं दुगुनी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करूंगा। बस मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है साथियों, आप ये ना सोचें कि मुकेश कुमार यादव है वो ही इकल्ला कर लेगा। ठीक है ना, आप भी अपनी तरफ से प्रयास करिए और मैं आपसे दुगुना प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में फैलाएं ताकि ये जानकारी हमारे सभी भाइयों तक पहुंच पाए। ठीक है, और हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि मैं आपकी इस आवाज़ को दुगने तरीके से आगे तक पहुँचाना चाहूँ। धन्यवाद।